नमस्कार, मुद्दा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। आज चर्चा करेंगे उस बयान पर जिसने सियासी उलटफेर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहा है, वैसे वैसे नेताओं का भी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बयानबाजी में जो हेट स्पीच की जो उसका मायना है वो भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो हेट स्पीच के कंपोनेंट्स हैं वो भी बयानों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ चर्चा है कि हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई है उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर सवाल वाजिब हैं और उठ भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और सवाल है जो उठ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी की जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनावों में एंट्री हुई वैसे ही सारी विपक्षी पार्टियों ने कह दिया कि ये बीजेपी की बी टीम है। लेकिन बीजेपी सबसे ज्यादा अगर किसी पर हमलावर होती है तो वो असदुद्दीन ओवैसी पर ही होती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के ताजा बयान ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के ताजा बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि योगी और मोदी ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे और एक दिन वो चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों पर चले जाएंगे, उसके बाद सबको जो कुछ सबके साथ हुआ है उस सब का बदला लिया जाएगा, उस सब पर फैसला लिया जाएगा। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या सियासी मायने इसके और लोग निकाल रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ओवैसी की हेट स्पीच के बाद से लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ किसको दिख रहा है इस बयान से, इस पर नजर डालना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के दिए हुए बयान से मुसलमान ताली जरूर बजा रहे हैं, लेकिन ताली अंदर खाने बीजेपी के नेता भी बजा रहे हैं, ऐसा कहने और सुनने को मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बयान से एक मैसेज जाता है कि हिंदू जो है वो सुरक्षित है, किसके राज में, योगी और मोदी के राज में। तो क्या हिंदुओं का पोलराइजेशन करने की कोशिश नहीं है, क्या हिंदुओं को केंद्र बिंदु बनाया नहीं जा रहा है, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ ओवैसी ने क्या बयान दिया है वो बयान भी आपको सुनाएंगे कि उनके बयान में क्या वो कुछ था जिसके जरिए हेट स्पीच की बात की जा रही है। हालांकि इससे पहले उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की जो स्पीच है उसको लेकर आज तक चर्चा होती है, इसमें हिंदुओं के खिलाफ कई बातें कही गई थी। ऐसे में समय समय पर असदुद्दीन ओवैसी भी ऐसी बातें कर देते हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ जाती हैं। हालांकि वो बात करते हैं कि वो मुसलमानों के उत्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के उत्थान के साथ साथ कब वो हिंदू विरोधी हो जाते हैं शायद ये बात उनको भी पता नहीं चलती। असदुद्दीन ओवैसी का बयान हम आपको सुनवाना चाहेंगे एक बार, इस बयान को सुनिएगा और खुद फैसला कीजिएगा कि इस बयान में किसको फायदा होता दिख रहा है और किसको नुकसान, किसको घाटा होता हुआ दिख रहा है, इसको समझना जरूरी है। साथ ही साथ इस बयान के क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं इसको भी समझिए, उस क्लिप को देखिएगा। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। तो सीधे तौर पर कह दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने कि योगी जी तो अपने मठ में चले जाएंगे और मोदी जी चले जाएंगे पहाड़ों पर, तब आपको कौन बचाने आएगा। हालांकि उन्होंने संबोधित किया है पुलिस को, यूपी पुलिस को संबोधित किया है कि देखिए योगी जी चले जाएंगे, मोदी जी चले जाएंगे, तब आपको कौन बचाने आएगा। आपने जो अन्याय किए हैं उस पर फैसला होगा, वो कौन से अन्याय है जिसकी वो बात कर रहे हैं, खुलकर उन्होंने नहीं बताया। लेकिन सब अपने अपने हिसाब से इसका जो बयान है इसके अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने इसको जोड़ा है किससे, बीजेपी ने इसको जोड़ा है हिंदुओं से। वो ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहना चाहते हैं कि जब योगी जी चले जाएंगे, जब मोदी जी चले जाएंगे, तब आप संभल कर रहिएगा, तब आपका क्या होगा। तो ये डराने की पॉलिटिक्स भी है, तो डराने की पॉलिटिक्स भी हावी हो गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी तक जो नहीं हो रहा था वो देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले जिन्ना का जिन्न भी सामने आया था, जिन्ना का जिन्न जब सामने आया था तो वो हिंदू मुसलमान लाया था। हिंदू मुसलमान जब भी आता है तो भारत पाकिस्तान ऑटोमेटिक हो जाता है, तो ऐसे ही ऑटोमेटिक सियासत में अब असदुद्दीन ओवैसी आ गए थे, और आ गए थे तो फिर आ ही गए थे। लेकिन आने के बाद कब वो ऐसा बयान देंगे जो किसी के फायदे और किसी के नुकसान का सौदा करेगा। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के जो बयान के मायने निकाले जा रहे हैं उसमें पहला मायना हमने ये निकाला है कि कहीं ना कहीं ये बयान बीजेपी को बड़ा फायदा देगा, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं वो सीधे तौर पर इसको इस तरीके से प्रकाशित कर रहे हैं, इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवैसी दरअसल यूपी पुलिस को नहीं धमका रहे थे, वो हिंदुस्तान के हिंदुओं को और प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को धमका रहे थे और बता रहे थे कि योगी जी जब चले जाएंगे तब आपको बताएंगे, तब फैसला करेंगे,
तब आप कैसे सुरक्षित रहेंगे, तब आपकी सुरक्षा कौन करेगा। तो क्या ओवैसी ये बात कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं सके, जिसको बीजेपी वालों ने कह दिया? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हिंदू तब तक सुरक्षित हैं जब तक योगी जी यहां पर मौजूद हैं और केंद्र में मोदी जी मौजूद हैं? इस बयान के हर तरह के बयान निकाले जा सकते हैं। हालांकि इस जहरीली जुबानबाजी के बाद ओवैसी ने यू टर्न ले लिया है। उनका कहना है कि तोड़ मरोड़ कर मेरे बयान को पेश किया गया। क्या बयान को सही में तोड़ा गया या मरोड़ा गया, इस पर फैसला तो बाद में आएगा। लेकिन अभी सियासत का जो रोड़ा बन गया है वो ये है कि ओवैसी ने जो बयान दिया है वो सत्ता के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर लगातार चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो किसी का मकान हो, सड़क हो, दुकान हो, हर जगह यही चर्चा है कि आखिर ओवैसी कहना क्या चाहते थे। क्या ओवैसी ये कहना चाहते थे कि जिस दिन योगी चले जाएंगे उस दिन भारत के हिंदुओं को पता चलेगा कि जिस दिन योगी और मोदी जी चले जाएंगे तो हिंदुओं को आखिर फिर कौन बचाएगा? तो ऐसे में हम दर्शकों से जल्दी ही जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि एक बार नाम बता दिया जाए, एक बार परिचय बता दिया जाए। तो योगी और मोदी जी जब चले जाएंगे तब होगी चर्चा, तब होगी बड़ी बात। क्या बड़ी बात होगी, इसको लेकर सब अपने अपने तरीके से सब अपनी अपनी कहानियां गढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, वो तस्वीरें उस मंच की जहां पर असदुद्दीन ओवैसी बयानबाजी कर रहे थे। एक बार फिर से उस क्लिप को प्ले करेंगे जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने वो बयान दिया है। तो ओवैसी के बयान की क्लिप चलाएंगे जरा, असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया उस क्लिप को चलाएंगे। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। चलिए तो ठीक है, ऐसे में फिर बहस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमानों का। आईपी सिंह साहब है, प्रवक्ता है बीजेपी से, अभिषेक वाजपेयी है प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, उज्मा परवीन जी हैं प्रवक्ता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा आपका में। सबसे पहले तो उज्मा परवीन जी, आपसे थोड़ा सा क्लैरिटी लेना चाहूंगा कि ये जो बयान दिया है, ये जो स्पीच दी है ओवैसी साहब ने, कहा है कि कौन बचाएगा योगी जी और मोदी जी जब चले जाएंगे। तो योगी जी और मोदी जी जब चले जाएंगे तो किससे किसको बचना है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करिएगा। देखिए क्लैरिफाई तो मैं ये कर दूंगी, पहले तो आप लोग जो ये बीच में ये गढ़ते हैं ना, आधा बयान लाते हैं आधा बयान नहीं लाते हैं, तो ये पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए कि आप लोगों को कहना क्या चाहते हैं। अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल की राइट्स की लड़ाई लड़ रहा है तो आप उसे बदनाम करते हैं, कोई अपनी संवैधानिक लड़ाई को लड़ रहा है तो उसे बदनाम, क्या अपना हक और अधिकार मांगना इतना गलत आप लोगों की नजरों में साबित हो गया है कि आप लोग लोगों की क्लिपें ला ला कर उसे ला कर रखते हैं और आधी बात सुनवाते हैं आधी बात काट देते हैं, तो आपका मकसद क्या, आप पहले क्लियर करिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कि आधी बातें रखते हैं आधी बातें काट देते हैं बदनाम करते हैं, बदनाम करने के साथ साथ हम लोगों ने नाम भी किया है। मैं कोई विपक्षी पार्टी का नहीं हूं, आप इसको समझिएगा जरा। उज्मा परवीन जी, जो बातें कही गई हैं उसको ज्यों का त्यों रखा गया है। उन्होंने कहा है कि योगी जी और मोदी जी जब चले जाएंगे तब आपको कौन बचाएगा। देखिए कौन बचाएगा की बात नहीं होती है यहाँ पर, जो जुल्म और नाइंसाफी बराबर लगातार बीजेपी कर रही है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के साथी से कहूंगा कि फोन को जरा साइलेंट मोड पर कर लीजिए। ठीक है, ठीक है उज्मा प्रवीण जी, तो आप ये बात ओवैसी साहब को समझाइए ना कि विकास के मुद्दे पर बात करें, अन्य मुद्दों पर बात करें। बिल्कुल, हमारे ओवैसी साहब बिल्कुल विकास के मुद्दों पर बात करते हैं, शिक्षा के भी ऊपर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात असल मुद्दा ये है जो आज लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, आज जगह जगह लोगों को मारा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मजार शरीफ को तोड़ा जा रहा है। आप किस जगह की बात कर रही है, ये समझ नहीं आ रहा थोड़ा, कौन से उत्तर प्रदेश या कौन से भारत की बात कर रही है आप, जहाँ पर मुसलमानों को रोज लिंचिंग की जा रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, ये कौन सा पूर्वाग्रह में आप देखा? अभी आपने त्रिपुरा में देखा,
तहत मैं आपको बताना चाहती हूँ, आर्टिकल 14 के तहत भारतवासियों में जो ये जो बराबरी और समानता है, आप वो देखेंगे हमारा संवैधानिक राइट जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो क्या कहता है कि सबको बराबरी की अधिकार मिले, सबको इज्जत मिले, सम्मान मिले, मान मिले। लेकिन आप लोग इस बात को भूल क्यों जाते हैं? आप जब सत्ता की कुर्सी पर आकर बैठते हैं तो आप जनता को नौकर समझते हैं और अपने आप को मालिक समझते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ बीजेपी सरकार से, ये मोदी जी से, योगी जी से, कि लोगों को भेड़ बकरी समझना बंद कीजिए। ठीक है, आप इंसान है। ठीक है, शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छे से क्लैरिफाई किया। आपने बताया कि मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में शायद यह बयान दिया गया कि जब हम आएंगे और योगी और मोदी चले जाएंगे तब बदला लेंगे, तो इसका बदला क्या होगा? तो बदला, आप इसको बदला समझेंगे तो ये कैसे चलेगा? क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये सभी का है, ये हर मजहब के लोगों का है। यहाँ ये गंगा जमनी तहजीब से पहचाना जाता है, इसको तार तार ना करें। और अगर ये तार तार करने कोई आया है तो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, इसने इतना जहर घोल दिया है लोगों के दिमाग में, इतना जहर खराब, इतना लोगों का जहन खराब कर दिया है कि लोग आज एक दूसरे से नफरत करने पर उतारू हो गए। तो मुझे ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें तो यहाँ पर भारत में हर एक का राइट्स है, अधिकार है कि वो बराबरी से रहे, मान सम्मान से रहे, उसे वही सम्मान मिलना चाहिए जो हिंदू को मिलता है, वही मुस्लिम को मिलना चाहिए, वही सिख को मिलना चाहिए, वही ईसाई को मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये संप्रभुता भी है देश की, ठीक है, इंटीग्रिटी पर बात होगी, सब मिलजुल कर रहे इस पर हर कोई बात करता है। लेकिन ओवैसी साहब जो बचने बचाने की बात कर रहे हैं तो उसको क्लैरिफाई करिए ना कि किससे किसको बचना है, और योगी और मोदी चले जाएंगे तो कौन सुरक्षित नहीं रहेगा? अंडे से बचना है, सुनिए, हम बताते हैं किससे किसको बचना। ये योगी जी और मोदी जी का जो प्रोपेगंडा चला आ रहा है, दिमाग में लोगों के ज़हनियत भर रहे कि नहीं, कि देखो जो है हिंदू खतरे में, तो हिंदू खतरे में नहीं है, ना ही मुसलमान खतरे में। जरा सियासत का चश्मा उतार के देखिए, पूरा हिंदुस्तान खतरे में। नहीं, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि योगी और मोदी जब चले जाएंगे, मैंने आपको क्लियर कर दिया, तब इनको कौन बचाएगा, किनको कौन बचाएगा? सलमान खतरे में। नहीं, योगी और मोदी जब चले जाएंगे तब किसको कौन बचाएगा? योगी और मोदी जब चले जाएंगे तब किसको कौन बचाएगा? किसको कौन बचाएगा, कौन नहीं बचाएगा, पहले तो आप बयान पूरा लेकर आइए। उन्होंने कहा है कि पुलिस वाले अन्याय कर रहे हैं मुसलमान साथियों पर। अब योगी और मोदी ज्यादा दिन ठहरेंगे नहीं, जब योगी और मोदी चले जाएंगे तब इनको कौन बचाएगा? मैं इस बात को एग्री करती हूँ। अगर ये कहा जाता है, देखिए, एक हम अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, लेकिन एक विशेष समुदाय पर अगर जुल्म होता है, मुस्लिम समाज पर लिंचिंग हो रही है, तो उसको खुलकर लोग कहे ना आके कि हाँ ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो गलत हो रहा है, मतलब योगी और मोदी जी की वजह से हो रही है ये लिंचिंग, और जब योगी और मोदी जी चले जाएंगे तब आप बदला लेंगे। हम तो रोजगार पर बात तब करें ना जब ओवैसी साहब रोजगार पर बात करें। ओवैसी साहब ने सरकार को रोजगार पर नहीं घेरा, ओवैसी साहब ने कहा है कि जब योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी जब पहाड़ों पर चले जाएंगे तब आपको कौन बचाएगा? मुद्दा ऐसा बीच से उठा कर लाते हैं कि जानबूझ के कोई क्लियर ना कर पाए। देखिए, मैं आपको भी समझती हूँ, मैं खुद को भी समझती हूँ, मैं अपनी जनता को भी समझती हूँ। बड़ी भोली भाली है हमारी जनता, ठीक है, आपको ठीक है, भोली भाली जनता। ठीक है, चलिए भोला भाला सवाल कर लेता हूँ, भोली भाली जनता है, उन्हीं का भोला भाला सवाल कर लेता हूँ कि आपकी जो धमकी है उसको हिंदुओं को दी गई धमकी के रूप में देखा जा रहा है, कि आप हिंदुओं को धमकी दे रही हैं। चुनाव करीब है, अब इस तरह के सियासी गरम मुद्दे तो आप लोग लेकर उठा कर लाएंगे। अरे आप देंगे तो हम उठाएंगे ना, सच बात है ना, संवैधानिक रूप, जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना, वो मांग रहे हमारे ओवैसी साहब। हमारे ओवैसी साहब कुछ गलत नहीं कर रहे, हमें किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं, ना हमें किसी जात से कोई आपत्ति, हम किसी से कोई आपत्ति नहीं करते, किसी धर्म से, किसी जात से। सिर्फ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मांग रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, तो गलत नहीं कर रहे हमारे ओवैसी साहब, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे। मैंने कब कहा गलत कर रहे हैं, और कोई भी मुद्दे का मैं मेंशन थोड़ी ना कर रहा हूं। अब ओवैसी साहब जब खुद बोलेंगे कि योगी जी और मोदी जी जब चले जाएंगे तब ऐसा ऐसा होगा, तो कैसा कैसा होगा, हम उसको थोड़ा समझा देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो मैं ये समझा तो रही हूँ, जब वो चले जाएंगे तब विकास होगा, यानी विकास तो हो नहीं रहा है हमारे भारत में, विकास नहीं हो रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, सब कुछ खराब कर दिया है, झूठ झूठ लगाकर कि ये किया वो किया, झूठा डेटा लाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो इसका मतलब कि जो वैसी साहब का मतलब था, ये जब चले जाएंगे तब एक विकास होगा, अच्छा विकास होगा, जब हमारी
सत्ता आएगी, हम लोग आएंगे इंशाल्लाह, तो सबको बराबरी का अधिकार देंगे। जो हमारे साथ भेदभाव किया गया वो किसी के साथ नहीं होगा, ना किसी पिछड़ों के साथ होगा, ना दलित के साथ होगा। हम किसी धर्म और जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप लोग उसको उस तरह से मोड़ कर बोलते हैं कि इंसान को बीच में आप फंसा कर रख देते हैं। ठीक है, चलिए आईपी, ठीक है, आता हूँ सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा। आईपी सिंह साहब प्रवक्ता है बीजेपी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आईपी सिंह साहब, जब उजमा परवीन जी से पूछा गया कि इस बयान के मायने क्या हैं, तो वो समझा रही हैं कि भारत में और प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, मुसलमानों पर जिस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर उस बयान को कनेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ वो विकास की भी मांग कर रहे थे इस बयान से। इस बयान से विकास कैसे मिलेगा, ये तो खैर अभी सोचने समझने में समय लगेगा, लेकिन ये जो बयान दिया गया है इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? बिल्कुल, ओवैसी जी के बयान ये पहली बार पे बयान आते रहे। जब हमने धारा 370 हटाई थी उस टाइम भी इनके इस तरह के बयान आए थे। जब मुस्लिम बहनों को हमने 3 तलाक से आजादी दिला उस टाइम, जी बात रखिए अपनी अपने आप को हिंदुस्तान में मुसलमानों का बनाना चाह रहे हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनको जो है ना ही बोल देखने वाला नहीं है, और ना ही उनको वहां कुछ हासिल हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुसलमान जो है बहुत बुद्धिजीवी है, समझदार है, वो जानता है कि हमें विकास कौन दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में पहली बार जो विकास हो रहा है वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान उससे बहुत खुश है। हमने जो गरीबों को मकान की जो योजना चलाई, तो सबसे ज्यादा उस गरीबी रेखा के मकान हम मुस्लिम भाइयों को मिले हैं। कोरोना काल का जो है ना राशन आज हमने सबसे मुस्लिम भाइयों को दिया है उत्तर प्रदेश में। रोड़े जो हमने करी है सबसे ज्यादा उसका उपयोग कर रहे सब लोग। तो हम ऐसा कोई विकास कार्य नहीं किया जिसमें मुस्लिम भाइयों को बहनों को लाभ ना हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा लाभ है वही हो। ठीक है, आपने सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिमों को दिया है। ठीक है, आपने कहा कि हमने सबसे ज्यादा लाभ चाहते हैं। ठीक है, आजकल पढ़ा लिखा मुसलमान है, बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत समझता है कि वो जी क्या चाह रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो कुछ भी बोल वक्त वक्त पे बोलते रहते हैं। बाकी जबकि बैरिस्टर है, बैरिस्टर को एक शब्द भी कहना चाहिए तो बड़े सोच विचार के कहना है, मगर वो जब भी बोलेंगे तो जहर उगलते हैं। एक कहावत है कि छोटे मियाँ तो मियाँ, बड़े मियाँ सुहागलाल। ठीक है, आईपी सिंह साहब छोटे भाई है, उन्होंने भी एक बार मंच से इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुस्तान की पुलिस को ऑक्यूपेट के लिए हटा लो तो हिंदुओं को हम के गिरा देंगे। लेकिन आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब ठीक है, भारत से हिंदुओं का ठीक है, आईपी सिंह इनके हर तरफ इस तरह के घेर उगलते रहते हैं मुसलमानों को भड़काने के लिए, मगर लेकिन आईपी सिंह साहब लोगों का कहना है कि इससे आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, आईपी सिंह साहब का शायद कनेक्शन जो है वो कट गया, उसको दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से सीधे आपके पास आता हूं। अभिषेक वाजपेयी जी, एक तरफ ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर योगी जी चले गए और मोदी जी चले गए तब आपको कौन बचाएगा, मतलब योगी जी और मोदी जी चले गए और अखिलेश यादव भी अगर आ गए तो कोई बचा नहीं पाएगा, और किसको कौन नहीं बचा पाएगा। तो ऐसे में ये मैसेज जा रहा है कि हिंदुओं को यह सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर योगी जी और मोदी जी चले गए तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ी आपत्ति है कि आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम लिया और आपने उनको सम्मिलित कर दिया इसमें कि अगर अखिलेश यादव जी आ गए तब भी कोई बचा नहीं है। इस बात से आपकी आपत्ति नंबर एक। नंबर दूसरी चीज, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। और जैसा कि हमारी पैनलिस्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 की बात कर रही है, ठीक बात है, और सबके लिए बराबर का हक है, सबके लिए कहना भी चाहिए। हेलो, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि
चलिए, आपकी तरफ से ऑडियो नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से ऑडियो चला गया, ऑडियो को थोड़ा देखिए कहाँ समस्या है जी। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ओवैसी जी की पार्टी है, सब हिंदू और मुस्लिम का एक फसाद हो सके और जनता के मुद्दों से ध्यान हट करके हिंदी जनता के मुद्दों पर बात की जाए, महिलाओं के मुद्दों पर बात की जाए। वो नहीं चाहेंगे कि महिलाओं के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी अपने वादा किया था कि अवंतीबाई झलकारी भाई और उधा देवी बटालियन देने का वादा किया, नहीं दे पाए। चलिए, वो नहीं बात करेंगे किसानों के लिए। उन्होंने कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए जो सिंचाई फंड से देने के लिए मुख्यमंत्री को से बोला था वो नहीं दिया, क्यों नहीं दे पाए। वो अभी जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान बहुत बुद्धिजीवी हैं। अरे श्रीमान, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, कुछ दिन पहले अभी इनकी पार्टी करी थी मुझे मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। अरे साहब, अब बार बार इस तरीके से बातें कर रहे, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दोनों पार्टियां मिल करके वोट कटुआ के तौर पर जनता के मुद्दों से हट करके इस मुद्दे को ले आए ताकि वो हिंदू मुस्लिम की तरफ चुनाव चला जाए और भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा हो पाए, लेकिन कभी वो कामयाब नहीं हो पाएगी। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बखूबी से जानती है कि किस पार्टी ने काम किया, किस पार्टी ने काम नहीं किया। ठीक है, अब ये बताइए, आपने दो बातें कही। पहली बात आपने ये कही कि बीजेपी ने कहा है कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आपने कही कि ये वोट कटवा है, मतलब वोट काटेंगे। किसके वोट काटेंगे? आपके वोट काटेंगे, आपके मुसलमान वोट जो है वो काटने का काम करने आए हैं यहाँ पर, और आप सोच रहे हैं कि हमें जो मुसलमान वोट करते हैं कहीं उनको ना काट ले असदुद्दीन ओवैसी। तो अब आपने प्रश्न किया, उसका उत्तर देखिए, वोट कटुआ का मतलब ये होता है कि आप जब हिंदू मुस्लिम करेंगे तो दो पैमाने बट जाते हैं, विकास की धुरी जो होती है वो बिगड़ जाती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी काम बोलता है कि नाम पे उन्होंने अपना वोट मांगा था, ठीक है, जनता तक हम बात को नहीं पहुंचा पाए, ना ही हम झूठा प्रोपेगंडा कर पाए। अरे आप कहां जा रहे हैं, रुकिए जरा, ठहरिए, आप कहीं और जा रहे हैं। मैंने आपसे बस इतना सा पूछा कि आपने कहा कि वोट कटवा पार्टी की भूमिका में है, अब बीजेपी को आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट चाहिए नहीं, और ये वोट कटवा भूमिका में है तो किसके वोट? आपके वोट काट रहे हैं तो आप परेशान हैं। ये उत्तर प्रदेश के वोट काटेंगे, ये उत्तर प्रदेश की इस वजह से वोट काटेंगे क्योंकि जो लोग विकास के नाम पे अखिलेश जी को मिलना चाहते हैं ये उनके वोट काटेंगे, ये उनके वोट काटेंगे जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश अग्रसर हो, उनके वोट काटेंगे। ये बिल्कुल आईपी संघ आप पर आऊंगा, ठीक है, उनके वोट काटेंगे। साथ ही साथ आपने कहा कि संविधान की खूबसूरती है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो ये संविधान की अगर खूबसूरती है तो क्या इसके साथ ही साथ आप उन पर भी उनको उनसे बातों से भी सहमत हैं जो उनके छोटे भाई ने कही थी, उन बातों से भी सहमत हैं जो उमर खालिद कहते हैं, उन बातों से भी सहमत हैं जो शर्जील इमाम कहते हैं, क्या आप उन बातों से भी सहमत हैं जो जेएनयू में नारेबाजी की गई, क्या आप उन बातों से भी सहमत हैं जो एएमयू में कही गई? आपने कहा ये खूबसूरती है, ये बातें खूबसूरत है। बिल्कुल, मैं अभी भी कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हमारे संविधान की खूबसूरती कोई भी कह करके कुछ भी निकल जाता है, बाकी किसी मतलब आप इन बातों को प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप नहीं कह रहे कि इनको रुकना चाहिए, आप नहीं कहना चाहते कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए, आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए, मैंने कहीं इस चीज का समर्थन नहीं किया। और जितने प्रश्न आपने अभी किए हैं कि चाहे जेएनयू की बात रही है, चाहे उनके छोटे भाई ने कहा, मैं बिल्कुल खिलाफत करता हूँ। जो देश विरोधी गतिविधि करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। हम पूरे उत्तर प्रदेश का पूरे देश के विपक्ष एक साथ आकर के खड़ा हो जाएगा जहाँ पे देश विरोधी गतिविधियां होंगी। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले इस बात को कहा था। ठीक है, तो मतलब ओवैसी जी पर, ठीक है, ओवैसी जी पर कार्रवाई होनी चाहिए जो उन्होंने कहा है। आपने जब संविधान जब अनुच्छेद 14 की बात हुई तो मैंने कहा कि ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी कैसे भी कह सकता है। ठीक है, ये खूबसूरती है, मतलब ओवैसी जी ने जो कहा वो संविधान की खूबसूरती है, आप इसको मान रहे हैं ना? बिल्कुल, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो ये भड़काने का भी काम कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद करवा सकते हैं। लेकिन वो साथ में ये भी तो कह रहे हैं, लोगों को जिनको वो संबोधित कर रहे थे उनको ये बता रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी जब चले जाएंगे तभी आपके साथ हुए अन्याय पर न्याय हो पाएगा। मतलब इसका फायदा तो आपको भी मिल सकता है ना, देखिए कि मेन एजेंडा जो है वो योगी जी को हटाना है। जनता के मुद्दों की बात करते हैं,
आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साफ कह रखा है हम जनता के मुद्दों पर बात करेंगे, जनता के मुद्दों पर आप बात कीजिए, पहले सुरक्षा के मुद्दे पर बात कीजिए, आप बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कीजिए, आप महंगाई के मुद्दे पर बात कीजिए, आप पत्रकारों के बोल जो आए थे हम लोग ठीक है, चाहे जिन्ना के मुद्दे पर बात कीजिए, जिन्ना के मुद्दे पर भी बात कीजिए, आपने क्या दिया उसके मुद्दे पर बात कीजिए, जिन्ना के मुद्दे पर बात कीजिए, ठीक है, तो जिन्ना के मुद्दे पर जाने की क्या आवश्यकता थी? जिन्ना के मुद्दे पे एक बात सुन लीजिए, हम आडवाणी नहीं है जो जा करके उनके यहाँ पे माथा टेक आए जा करके, और ना हम मोदी जी हैं जा करके बिना बुलाए जा करके बिरयानी खा करके चले आए, ठीक है, आप अखिलेश यादव की पार्टी के हैं जो तारीफ कर सकते हैं जिन्ना की, ठीक है। उज्मा परवीन जी के पास चलूंगा मैं, ठीक है। उज्मा परवीन जी, बीजेपी कह रही है कि ये सपा की बी टीम है, इनकी कोई जनाधार नहीं है, ये सिर्फ बरगलाने वाली बातें करते हैं, धमकी भरी बयानबाजी करते हैं, लेकिन इनसे कोई डरने वाला नहीं है, और मुसलमानों को जितना डराने की आप कोशिश करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन वो अब शिक्षित हो चुका है, अब आगे बढ़ चुका है, उनका कहना है योगी राज में मुसलमानों को हर तरह का फायदा पहुंचाया गया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, राशन उन तक मुहैया कराया गया, तो अब वो जान चुके हैं, जागरूक हो गए, तो उनको डराने का काम आप मत कीजिए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि आप वोट कटवा की स्थिति में है सिर्फ, मतलब कोई भी जो मेन दल है यहाँ के वो आपको मुंह नहीं लगाना चाहते। चलिए ठीक है, मुंह नहीं लगाना चाहते, लेकिन एक चीज ये भी क्लियर कर दे कि मुद्दा आखिर कहाँ आकर रुकेगा, लिंचिंग हो रही है। आपने एक, मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ काशी राम जी की, कि जब दलित समाज के साथ अत्याचार हो रहा था, जुल्म हो रहा था, और लोगों को अपने बराबर बैठने नहीं दिया जाता था, वो समय और था, वो समय और था, वो समय और था, कौन से समय की बात कर रही है, वो समय और था, वो समय और था, उस समय से भारत कई कोस आगे निकल आ चुका है, और हर पार्टी ने इसके लिए काम किया है, हर पार्टी ने इसके लिए काम किया है, उस समय से हम निकल चुके हैं। अखिलेश यादव जी देंगे, उनको वोट चाहिए हमारा, उनको 18% 19% वोट चाहिए, लिंचिंग से उनसे मतलब नहीं है कोई, मुस्लिम की लिंचिंग हो रही है, उनको मुसलमानों का वोट क्यों चाहिए 18% 19% जब वो उनके लिए बोल नहीं सकते, उनके पक्ष में बोल नहीं सकते। मुद्दा तो यहाँ पर ये है ना, तभी तो हम रोजगार देख पाएंगे, तभी हम फ्री बिजली ले पाएंगे, जब हमारी जाने बचेंगी। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी साहब, अभिषेक वाजपेयी साहब, अभिषेक वाजपेयी साहब, उज्मा जी कह रही हैं, अभिषेक वाजपेयी साहब, उज्मा जी कह रही हैं कि मुसलमानों का वोट तो पूरा का पूरा आपको चाहिए, लेकिन मुसलमानों के प्रति आप दो शब्द नहीं बोल सकते, आप बीजेपी से डरते हैं, क्या समस्या आ रही है? मुसलमानों का वोट भी चाहिए लेकिन मुसलमानों के लिए बोल भी नहीं सकते हैं। वो कह रही है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, अखिलेश यादव को वोट भी चाहिए लेकिन बोलने से डरते हैं। देखिए, उनकी ये उनकी सोच हो सकती है, पूरा प्रदेश देख रहा है, हम जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप मान रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहा है, सभी लोग आते हैं, मतलब आप मान रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहा है, हमारे लिए सुन लीजिए, बिल्कुल माफी मांग कर आपसे ये पूछ रहा हूँ अभिषेक वाजपेयी साहब, मतलब आप मान रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहा है जी, मतलब आप मान रहे हैं ना, फिर से दोहरा दे, मतलब आप इस बात को मान रहे हैं जो उज्मा जी कह रहे हैं कि मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, तो आप इस बात को मान रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहा है? देखिए, जनता इस प्रदेश की जनता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसमें सभी वर्ग आते हैं, उसमें अकेले मुसलमान नहीं आता है, उसमें अकेले हिंदू नहीं आता है, मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहा है, सब पर अत्याचार हो रहा है, सारे समुदाय के लोग आते हैं, ठीक है, मतलब अत्याचार हो रहा है। महिला, एक बात मुझे बताइए, जब आप ब्लड बैंक में जाते हैं ब्लड लेने के लिए, तो क्या आप पूछते हैं ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, ये ईसाई का खून है? अरे ये पुराना हो गया, उसके बाद खून लेते हैं, कैसी बात, ये बहुत पुराना हो गया, ठीक है, बहस चल रही है, बहुत ये खून वाला बड़ा पुराना हो गया। एक बात बताइए मुझे अभिषेक वाजपेयी साहब, पुराना नहीं है, आपने कहा सत्यता है, ठीक है, आपके जैसा अगर बुद्धिजीवी व्यक्ति ऐसा बात बोलेगा तो बड़े अचंभे की बात है। अभिषेक वाजपेयी साहब, ये बताइए, मुझको ये बताने की कोशिश करिए कि आप कह रहे हैं कि सब पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन उज्मा जी कह रही है कि मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, तो आप दोनों में से कौन सही बात बोल रहा है? अत्याचार सबका बराबर हो रहा है, लिंचिंग किसकी हो रही है? देखिए, वो सिर्फ एक एक वर्ग विशेष के लिए बात करती है, वो जनता की पूरी बात नहीं कर रही है, और आदरणीय अखिलेश यादव, मतलब ठीक है, लिंचिंग हर किसी की हो रही है, आप कह रहे हैं कि लिंचिंग हर किसी के साथ हो सकती है, धर्म विशेष का मसला नहीं है ये, बिल्कुल हर किसी के साथ हो सकती है, यहाँ पे धर्म विशेष की बात नहीं है, पूरी जनता परेशान है, पूरा देश परेशान है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, ठीक, कि जो डबल इंजन की सरकार की वजह से
तकरीबन पूरे देश में 952,875 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से तकरीबन 152,127 गृहणियों ने आत्महत्या की। क्या इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं है या हिंदू समुदाय के लोग नहीं है? क्या डेली वेजर मजदूर जो है 1,95,000 लोगों ने आत्महत्या की? अभिषेक उपाध्याय साहब, अभिषेक वाजपेयी साहब, 35,122 लोगों ने मजदूरी, क्या उसमें सब लोग नहीं आते हैं? अभिषेक वाजपेयी साहब, शायद आप थोड़ा सा घूम गए। बेरोजगारी से आत्महत्या करी पर मारा किसे गया? गाड़ी किसकी रोची गई? टोपी किसकी उतारी गई? आप ये क्यों भूल जाते हैं? मोहतरमा, कैसी बात आप कर रही हैं? इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, ताकि जनता हिंदू मुसलमान कर सके। ठीक है, अब एक बात बताइए, ठीक है, रुकेगा, ठीक है, सब लोग रुकेगा, इस बात को पुष्टि कर रही है, ठीक है, सब लोग रुकेगा। अभिषेक उपाध्याय साहब, एक बात, अभिषेक वाजपेयी साहब माफ कीजिएगा, अभिषेक वाजपेयी साहब एक बात बताइएगा, आप बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, अगर ये बीजेपी की बी टीम है तो खड़े मंच से हजारों की संख्या में समर्थक है सामने, उनके सामने ओवैसी जी कहते हैं कि योगी जी और मोदी जी जब चले जाएंगे तब कायाकल्प होगा, मतलब अखिलेश यादव के जाने की बात नहीं वो कर रहे हैं, योगी जी और मोदी जी जब चले जाएंगे तो लोग कह रहे हैं कि वो तो आपकी भी टीम भी हो सकते हैं। देखिए श्रीमान, ये बड़ी सोची, देखिए किसी भी चीज को प्रोपेगेंडा करने के लिए बड़ी सोची समझी साजिश रची जाती है, जैसा कि ओवैसी साहब ने रचा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने रचा हुआ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अभी भी कह रहा हूँ कि वो ये चाहते हैं दोनों लोग मिल करके ये चुनाव जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच फंस करके रह जाए, इसमें जनता के मुद्दे कहीं भी सम्मिलित ना हो पाए। हमें हिस्सा चाहिए, जैसे एक भाई को मिलता है हिस्सा, वैसे दूसरे भाई को हिस्सा मिलना चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो हमें हिस्सा भी चाहिए। कैसी बात कर रही है? क्या इस प्रदेश के लोगों ने या इस पूरे देश के लोगों ने बराबर नहीं है? कलाम जी कौन थे? वो मुस्लिम नहीं थे क्या? पूरे देश के लोगों ने उनको सम्मान नहीं दिया? कैसी बात है? नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर आज तक बेवकूफ बनते हैं। 18% वोट हमारा लेंगे और आप देंगे नौकरी दूसरों को। कहाँ दिया है आपने मुस्लिम समाज को डेटा उठा कर? देखिए इसी से ही आपकी मानसिकता पता चलती है कि आप चाह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी चाह रहे सिर्फ ये चुनाव हिंदू मुस्लिम के बीच फंसा रहे, ताकि जनता मुद्दों से भटक जाए के बाद हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दे सके। लेकिन आप इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगी। आप संविधान की बात करते हैं ना मोहतरमा, आप इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगी। हिंदू मुस्लिम ये चुनाव होगा, ये जनता के मुद्दों पर चुनाव होगा। और जो भाई इसमें साइकिल चुकी है, उसके भाई का आदरणीय खड़का जी है, विकास की नई एक गाथा लिखी जाएगी। ठीक है, एक बात बताइए, एक और चीज है अभिषेक वाजपेयी साहब, लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू जो चुनावों में केंद्र बिंदु बनता जा रहा है उसकी वजह से आप मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है उससे अपने आप को दूर कर रहे हैं, ऐसे में आप आजम खान को बचाने के लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा? बिल्कुल नहीं किया गया कोई प्रयास इनकी तरफ से। हमारे बड़े बड़े नेता बंद हैं जेल के अंदर, कौन बोलने आ रहा है? ये जो मुस्लिम अपीजमेंट का जो आप पर ठप्पा लगा था मुस्लिमों को अपीज करने का, अब आपको लग रहा है कि इससे तो भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए अब आप मठ मंदिर की बात कर रहे हैं? श्रीमान महोदय, अब आपने प्रश्न किया उसकी बात भी सुनी है। देखिए हमारी पार्टी जो काम कर रही है कानून के दायरे में रहते हुए उनके लिए काम कर रही है, और आपने आपने देखा कि कितनी बार हमने हमारी पार्टी ने उनके लिए काफी बार प्रयास भी किया हुआ है। हम कानून के दायरे में रहते हुए हर संभव मदद करेंगे उनकी, लेकिन हम कानून से बड़े, कोई भी पार्टी कानून से बड़ी नहीं है, इस बात को भी आप समझिए। हम कानून के दायरे में रहते हुए उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकायदा लड़ेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी उनके घर गए थे, तो क्या उनसे मुलाकात नहीं हुई थी? हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी के बड़े बड़े वकीलों को वहां पे भेजा बात की, लेकिन हम कानून के दायरे से ऊपर नहीं जा सकते, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कानून के दायरे में रहते हुए हम पूरी प्रयास कर रहे हैं और पूरी मदद कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जिन्ना वाला कार्ड जो आपने चला था वो दरअसल मुस्लिमों को लुभाने के लिए चला था। देखिए हम आडवाणी जी तो है नहीं कि जा करके वहां पे मत्था टेक आए जा करके, और हम मुस्लिम लीग के तो है नहीं कि जा करके बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और जा करके। हम वो लोग तो है नहीं
जो जाकर के वहां पे मुफ्त की बिरयानी खा आएंगे जाकर के, और यहाँ पे आतंकवादियों को सर्टिफिकेट बांटेंगे। हम वो लोग नहीं है जो जाकर के बुआ के साथ सरकार बना लेंगे वहां पे श्रीनगर में और आतंकवादियों को सर्टिफिकेट बांटेंगे। हम मध्य प्रदेश के अमित मालवीय नहीं है जो पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन सप्लाई करेंगे। हम पश्चिम बंगाल के इनके आईटी सेल के संचालक नहीं है जो जाकर के पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन करेंगे। हमारे प्रदेश के लिए है और देश के लिए है, हम देश की एकता की बात हमेशा खड़े हैं। ठीक है उज्मा परवीन जी के पास आऊंगा, उसके बाद आईपी सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अभिषेक वाजपेयी जी ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि एम वाई समीकरण जब काम नहीं आया 2017 में, इसलिए आप सिर्फ वाई समीकरण और साथ ही साथ एच समीकरण मतलब हिंदू समीकरण के सहारे इस बार चुनाव मैदान में आना चाहते हैं। एम वाई का एम आपने अलग कर लिया है। देखिए ये आपका कहना हो सकता है, हमारे लिए ए से लेकर के जेड तक सभी एक हैं। हम प्रदेश की आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश की विकास को देखते हैं और विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा लेकिन समस्या क्या है ना, इसीलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी जनता से जुड़े मुद्दों को बार बार उठाते रह रहे और उठाते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा धर्म है और हम इस धर्म को निभा करके रहेंगे। ठीक है अभिषेक जी, लेकिन समस्या क्या है, दरअसल जो शोषित वर्ग है उसके लिए हर पार्टी को काम करना चाहिए। मुसलमानों का शोषण तो हुआ है, शोषित वर्ग तो है, आज भी लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो इसको लेकर आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। दबी जवान है आपकी, आज खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए ये काम करेंगे वो काम करेंगे। बिल्कुल डर रहे हैं आपसे। देखिए हम समाजवादी लोग हैं, हम किसी से डरते नहीं है। हम समाजवादी लोग हैं, किसी से जैसे बीजेपी ने तीन तलाक के मुद्दे का खाका, तीन तलाक के मुद्दे पर खूब पीठ थपथपाते हैं अपनी, तीन तलाक ठीक है हटाना या नहीं। देखिए जब विकास की बात आती है तो हम सभी वर्गों को लेकर के चलते हैं, शिक्षा की बात आती है तो सभी वर्गों को मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो। मतलब जो ज्यादा शोषित है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, जो ज्यादा शोषित है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, मतलब आरक्षण हटाइए फिर आप। देखिए ये आप इस बात को आपको समझना पड़ेगा, मतलब आपकी सरकार आएगी तो आप आरक्षण भी हटाएंगे। मैं पूछ रहा हूं कि मुसलमान अगर शोषित है तो इसके लिए अलग से काम भी तो करना पड़ेगा। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगी कि विकास के खाके अखिलेश यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या क्या खोल करके रखे हुए, क्या क्या खींच करके रखे हुए। मुसलमान बहुत पहले बताना, मेरे बहुत पहले बताने के लिए डरा हुआ है। मुसलमानों के लिए क्या है आपके पास, किसने जी, उज्मा जी कह रही है कि मुसलमान डरा हुआ है, और आंकड़ों पर नजर डालें तो शोषित भी है, पीछे भी है, उत्थान की आवश्यकता भी है। मैं तो बराबर कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की और ओवैसी जी की, मतलब मुसलमानों के लिए सोचे समझी साजिश है, मतलब मुसलमानों के लिए समझी साजिश है, ताकि ये चुनाव, मैं पुनः कह रहा हूँ, अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि ये चुनाव ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच फंसा रहे और जनता के मुद्दों से ध्यान भटक जाए लोगों का, मतलब मुसलमानों के लिए। जनता अग्रसर हो चुकी है, जनता मुद्दों पर वोट करेगी, और जितनी परेशानियां महंगाई को लेकर के हुई है, जितना किसानों को लेकर के हुई है, जितना आप महिला शोषण हुआ है, आपने देखा कि कैसे कैसे चुनाव में, पंचायत चुनाव में कैसे लाठी डंडा कट्टा बम बारूद इन सब का इस्तेमाल हुआ, कैसे एक महिला के चीर हड़ का प्रयास किया गया, कैसे आज ही आप देखिए कि कैसे एक नए युवक ने बैठ करके ट्रैफिक को हटाने के लिए असलाह दिखा करके आगे भागा। तो ये सब कौन कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हो सकता है। ठीक है, तो मतलब आप स्पेसिफिक तौर पर मुसलमानों के लिए क्या करेंगे उस पर आप नहीं बोलेंगे आज। देखिए आने वाला समय आपको बता देगा कि हम मतलब अब ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का जो एमवाई समीकरण है उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने थोड़े दिनों पहले कहा था कि नई सपा में एमवाई का मतलब है महिला और युवा। ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूं, ठीक बात है, ठीक है, मतलब नई सपा में महिला और युवा है, पुरानी सपा में मुस्लिम और यादव था, तो मतलब अब आपको मुसलमानों की जरूरत नहीं है। नहीं, पहली बात तो आप समझिए कि महिला और युवा हर वर्ग से आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, ये नई सपा में ना, पुरानी सपा में तो एमवाई का, लेकिन महिलाओं को और देखिए उनके मतलब था कि महिलाओं को और सशक्त बनाना है और युवाओं को रोजगार देने के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है,
ताकि हम नौकरियों में भी उनको अवसर प्रदान कर सके, ताकि हम उनको इस स्टैंड पे खड़ा कर सके, वो इस प्रदेश को अग्रसर मतलब अग्र की भूमि में लेकर के चल सके, और ताकि इस प्रदेश का नाम रोशन हो सके और देश का नाम रोशन हो सके। ठीक है, चलिए उज्मा जी के पास आऊंगा। उज्मा जी, काफी देर मेरी बातचीत हुई है अभिषेक जी से, आप सब कुछ सुन रही थी। स्पेसिफिक तौर पर वो पता नहीं किस बात को लेकर थोड़ा बच रहे हैं, मुसलमानों के लिए क्या कुछ है वो बच रहे हैं, वो कह रहे हैं सबके लिए है, मैं मुसलमानों के लिए स्पेसिफिक तौर पर कुछ नहीं बोलूंगा। और जैसा कि कहा गया है कि नई सपा में एम का मतलब मुस्लिम नहीं है, महिला है। जी, अब मैं ये कह देना चाह रही हूँ, मेरा मकसद साफ है, क्लियर है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई। कुआं बीजेपी है और खाई हमारे लिए सपा है, बीच में हम फंसे हैं, ठीक है। अब इनका जो समीकरण है, इसमें से तो हमें निकाल ही दिया इन्होंने अपनी चुप्पी साध कर। हर जगह जहाँ जहाँ लिंचिंग हुई है वहाँ इनकी चुप्पी रही है, इनके इन सबके मुंह में दही जमा रहा, कोई कुछ आवाज नहीं उठाई, किसी ने एक लफ्ज बोला नहीं। अरे हम ऐसे रोजगार का क्या करेंगे जब लिंचिंग होगी? क्यों ऐसे तो आप आवाज ऐसे उठाएंगे, आप भड़काएंगे, कानून नहीं बनते लिंचिंग बंद हो हमारे समाज की? जिस तरह से आज दलित से भी बदतर हाल मुस्लिम समाज का है, ये मानिए आप सब, ये सपा वालों को मानना पड़ेगा, ये कांग्रेस को मानना पड़ेगा। ठीक है, उज्मा जी, अच्छा मैं छोटा सा एक प्रश्न करना चाहता हूँ। दलित दलित कर रहे हैं, कर रही है महोदया, इनसे पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट आबादी है दलितों की। जो काशीराम जी ने लड़ाई लड़ी, मैंने आपसे छोटा सा प्रश्न किया कि कितने परसेंट दलितों की आबादी है। आज वो नौबत हमारी है, आज जो बाबा साहब, अरे कितने परसेंट दलितों की आबादी है महोदया, इस बात का जवाब दे दें आप मुझे, मैं मान लूंगा। अभी आप लोगों ने इंसाफ नहीं किया किसी ने, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो चाहे वो खुद, उधर फोन लगे तो आगे जुड़ गया है, हो रही है हमारे साथ, जुल हो रहा है हमारे साथ, भेदभाव हो रहा है, ये क्यों नजर नहीं आता आप लोगों को? आप लोग चुप्पी सपोर्ट करें, नहीं होगा। हमने हर एक मुद्दे पर हर एक वर्ग की आवाज उठाई हुई है, हमारे लिए हिंदू हर एक वर्ग की हमने आवाज उठाई हुई है, ये अकेले आप नहीं उठा सकती हैं, ना आपको उठाना, आप अपने पार्टी के स्टैंड पे कुछ भी कहते रहिए, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हर एक मुद्दे को उठाया हुआ है, चाहे वो हिंदू से संबंधित मुद्दा हो, चाहे मुस्लिम से संबंधित मुद्दा हो, चाहे सिख और ईसाई से संबंधित मुद्दा हो, हर एक मुद्दे की हमने बात की है। आप कैसी बात कर रही हैं? आपकी विचारधारा बता रही है कि आप चाह रही हैं कि 2022 के चुनाव में आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके मुद्दों से भटक करके हिंदू मुस्लिम का पता कराना चाहती हैं। चार दीवारी में जेल में कैद है, आप कहाँ बोल रहे हैं? टीएनआरसी सबसे बड़ा मुद्दा था, देश का सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारे किसान भाइयों का मुद्दा था, बिल्कुल आप बोले हमारे किसान भाइयों के मुद्दे पर, बिल्कुल हम भी बोले हमारे उवैसी साहब किसान भाइयों के मुद्दे पर बोले, लेकिन अगर कोई नहीं बोला तो वो अखिलेश यादव जी नहीं बोले टीएनआरसी के मुद्दे पर। ये बात हमेशा मुस्लिम समाज याद रखेगा और उसे याद दिलाते रहेंगे हम कि जो नाइंसाफी हुई है, जो जुल्म हुआ है आज चार दीवारी में, जेल की चार दीवारी में, आपकी बात से पता चलता है कि आपकी मानसिकता कितनी दूषित हो चुकी है। आपको देखिए आज के समय में आपको एक सेकंड आईपी सिंह साहब काफी देर से शांत बैठे थे, खींचा जाता है तो हिंदू होता है, मुसलमान भी होता है, ठीक है। आईपी सिंह साहब के पास आएंगे, आईपी सिंह साहब के पास आएंगे, ठीक है, आज के समय हिंदू मुस्लिम फसाद हो सके और जनता भ्रमित होकर के मुद्दों से भटक करके हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट डाले, हिंदू मुस्लिम हम नहीं कर रहे, आप लोगों ने भेदभाव की खाई को वो कर दिया है, आप लोगों ने खाई खो दी है भेदभाव की, आज हमारे समाज का भेदभाव हो रहा है। अभिषेक साहब, उज्मा जी बस इतना से कह रही हैं कि सीएएनआरसी में आप जब मुसलमानों का वोट ले लेते हैं लेकिन सीएएनआरसी पर आप खुलकर नहीं बोले, और ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने देखा है। श्रीमान, आप आपके जैसा प्रतिष्ठित पत्रकार अगर इस तरीके से बातें करेगा कैसे चलेगा? आप खुद इनकी बातों से और आप उनकी बातों को सुन करके आप इस तरीके से बातें कर रहे हैं। मैंने सिर्फ सवाल को ट्रांसफर किया है, उज्मा जी कह रही है सम्मानित पत्रकार, सम्मानित पत्रकार जब कोई प्रश्न उठाता है तो उसकी मर्यादा होती है,
क्योंकि आप देश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान, सवाल लीजिए, सिर्फ सवाल लीजिए, बिल्कुल, लेकिन जो वादिब हो आपके, अगर इन प्रश्नों से आपको पता है कि कहीं ना कहीं देश में हिंदू मुस्लिम फसाद हो सकता है, प्रदेश में हिंदू मुस्लिम फसाद हो सकता है। अरे देश में हिंदू मुस्लिम फसाद तो आप सब लोग कर ही रहे हैं, उज्मा जी अलग कर रही हैं, उज्मा जी कह रही हैं कि बच जाओ, कैसे बचोगे, जब योगी मोदी चले जाएंगे तब बचेंगे, आप कह रहे हैं जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं, भारत की धरती पर जिन्ना का जिक्र करने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, बीजेपी के छोटे मोटे नेता किस तरीके की बयानबाजी करते हैं ये सबके सामने है, हिंदू मुसलमान नेता कह रहे हैं, ये जग जाहिर है हिंदू मुसलमान नेता कर रहे हैं, ये जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में जातियों के नाम पर बांटने का काम आप कर रहे हैं, ये जग जाहिर है कि परशुराम की मूर्ति लगाकर आप बात कर रहे हैं, ये जग जाहिर है कि राम मंदिर के नाम पर कौन वोट लेना चाहता है, जात बता दी थी तब आप तब उसको छोटी मोटी बातें कहते हैं, आप लोगों की भावना का हाथ करेंगे, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ये आप अपने शब्दों को दायरे में लेकर के बोलिए, क्योंकि हिंदू का भी होता अधिकार है, मुस्लिम का भी होता है, जब देश विसर्जित होता है हिंदू भी विसर्जित करता है, मुसलमान भी विसर्जित करता है, आस्था के खिलाफ। मैं अपनी बात रखूं, आ रहा हूँ आप पर, आ रहा हूँ आप सिंह साहब, ठीक है, नाराज होने की आवश्यकता नहीं थी अभिषेक साहब, इस पर जवाब दे, आप प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और ठीक है, आप प्रतिष्ठित प्रवक्ता हैं, आप इस पर जवाब दीजिए कि उज्मा जी कह रही हैं कि सीएनआरसी के मुद्दे पर आप खुलकर नहीं बोले, मैंने पहले भी नहीं कहा, मैं पहले भी कहा इन सब भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है, ओवैसी जी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो, इसके अलावा और कोई जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता है, लेकिन वो तो सीएनआरसी लाना चाहते हैं, उन्होंने तो क्रोनोलॉजी भी समझा दी, आप खुलकर क्यों नहीं बोले मुस्लिमों के पक्ष में, क्या अब आपको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, उज्मा जी ये कह रही है, उज्मा जी का सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने पहले भी उनकी बात का जवाब दिया, फिर से दे रहा हूँ कि जब विकास का खाका खींचा जाता है तो उसमें हिंदू भी एक होता है, मुस्लिम भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी एक होता है, आप सीए और आदरणीय अखिलेश यादव ने पहले भी कह रखा है कि हम जब कोई व्यक्ति के ऊपर, क्या महिलाओं की जब शोषण होता है, जब रेप होता है, तो क्या उसमें महिला हिंदू नहीं आती है, सवाल क्या करता हूं, उसमें मुस्लिम महिलाएं नहीं आती हैं, मैं आपसे सवाल क्या करता हूं, आप जवाब क्या देते हैं, मैं आपसे कोई भी सवाल कर रहा हूं, आप सिर्फ विकास का नाम ले रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हैं, तो हम तो मुद्दों की बात करेंगे, मैंने एक लाइन में आपसे बात कह दी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है, अगर सवाल इसी वजह से वो चाहते हैं फसाद हो, अभिषेक जी आप इतनी बार विकास का शब्द का प्रयोग कर चुके हैं, दो तीन सवाल और किए तो फिर आप कहेंगे सबका साथ सबका विकास, हम भी, आप भी अपनी टैगलाइन बना लेंगे उसको, नहीं नहीं थोड़ा सा सवाल का जवाब, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही होती तो क्या बात थी, ठीक है, जनता से मुद्दों से भटके ना होते, चार चुनाव में लाठी डंडा कट्टा बम बारूद के इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़ती, ठीक है, जो चौकियों के बीच में स्मैक सप्लाई हो रही है उसकी 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 बात ना करते, उसकी बात करते, और अगर शायद अगर बात करते योगी जी के गढ़ में तीन तीन अपहरण हो जाते हैं तो उसकी बात भी कर रहे होते, और तो और जो इन लोगों ने अपने लोगों के साथ बैठ करके बिजली विभाग से साठ करके फर्जी रसीदें छपवा करके अपने लोगों को डेढ़ रुपया कमवा दिया, उसके बारे में बात कर रहे होते, अगर महंगाई की बात करते तो कितनी महंगाई इधर बढ़ गई है इसकी बात भी करते हैं, ठीक है हो गया आपका, अभिषेक जी ऐसी कटिंग क्लिपिंग अगर मैं दिखाने बैठ गया तो एक डेढ़ घंटा इन्हीं में निकल जाएगा, इस पर नहीं आते हैं, सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे आगे भी बढ़ना है, उज्मा जी पूछ रही थी कि सीएए एनआरसी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, आप खुलकर सीएनआरसी के खिलाफ सड़क पर नहीं आए, क्या आपको आज मुसलमान वोट की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये उज्मा जी पूछ रही है। देखिए श्रीमान, मैंने पहले भी कहा कि हम आदरणीय अखिलेश यादव जी की नजरों में सभी लोग एक हैं, आप फिर वही जवाब विकास और माननीय अखिलेश यादव जी, इससे आगे बढ़िए, तो मैं जो अखिलेश भाई देखिए मैं अपनी आपने बड़े बड़े मैं आपका प्रशंसक हो गया, लेकिन जो आप चाह रहे हैं कहना, मैं आपका प्रशंसक हो गया, मैंने हर तरीके से सवाल करके देख लिया, लेकिन आपने जवाब एक ही दिया,
मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात को कहने के लिए, अपनी पार्टी की विचारधारा को बात कहने के लिए, अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैं बात करूंगा। जनता के मुद्दों पर सवाल का भी तो जवाब होता है, सवाल का भी तो स्पष्ट जवाब हो सकता है, सवाल का भी तो स्पष्ट जवाब हो सकता है कि सीएनआरसी पर आप खुलकर सामने क्यों नहीं आए, आप मुसलमानों का साथ देने क्यों नहीं आए। अब जब आप मुसलमानों का साथ देंगे, एक सेकंड देखिए, सवाल पूरा हो जाने चाहिए, सवाल पूरा हो जाए। जब आप मुसलमानों का साथ देंगे नहीं और बीजेपी को आप कहते हैं कि मुसलमानों का वोट तो यूं ही नहीं चाहिए, और जिस तरीके की लड़ाई आपस में चलती है बीजेपी मुसलमानों की, ये सबने देखी है, तो ऐसे में मुसलमान जो है वो जाए तो जाए कहां। अब जाएंगे तो फिर एक नेता भी तो उनको चाहिए, तो ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और वो उनसे संवाद करते हैं तो ठीक है ना। देखिए आप अगर मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है, छोटी नई सभा में एम का मतलब महिला हो गया है, मुसलमान नहीं है। याद दिला दूं, सुनिए आपको याद दिला दूं, ये मेरे पास एक छोटी उसी पेपर में एक छोटी सी कटिंग और शाहजहांपुर में एक रेप की घटना हुई थी जो की मुस्लिम महिला थी, ठीक है, हमारी पार्टी की तरफ से उनको मदद भी दी गई और उनकी आवाज को उठाया भी गया था। जब हमारी पार्टी के लोग मिलने गए थे, जब ये पता चला मिलने के लिए गए हुए थे, उसके बाद उनकी एफआईआर लिखी गई, तो क्या मुस्लिम महिला की जब हमने आवाज उठाई तो क्या ये देख करके उठाई थी कि वो मुस्लिम है, या फिर जब दूसरी जब महिला जब पहले पत्रकार के साथ छेड़छाड़ हुई थी, ठीक है, और उसके बाद जब हमने उठाई तो हमने ये देखा था कि तीन तलाक पर बीजेपी कानून लाई, इसका आप समर्थन करते हैं ना, सहमत है ना उनके साथ जी? तीन तलाक पर जो बीजेपी कानून लाई वहां तो आप उनकी वाहवाही करते हैं ना। देखिए तीन तलाक हर किसी कानून को हिसाब से है कि देखना पड़ेगा कि कहां पे कहां कानून की खामियां हैं, क्योंकि ये कानून हमने पास नहीं, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया बीजेपी ने, तीन तलाक ही हमारा महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, बिल्कुल सशक्त करने का आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया, नहीं नहीं महिला सुरक्षा के लिए तीन तलाक जी ने काम नहीं किया, तीन तलाक भी अखिलेश यादव जी का 108 कौन लेकर के आया, तीन तलाक भी अखिलेश यादव जी का सपना है तीन तलाक पर कानून लाना, नहीं ये किसने कहा आपसे, नहीं मैं कह रहा हूं कि तीन तलाक पर जो कानून लाया गया तो उसके जरिए महिलाएं सशक्त हुई कि नहीं हुई, ये तो अब इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को ही दे सकते हैं, क्योंकि नहीं नहीं आप भी दे सकते हैं, नहीं आप भी दे सकते हैं, नहीं हम नहीं दे सकते, उन्होंने अगर कोई कानून बनाया तो उससे महिलाएं सशक्त हुई कि नहीं हुई, क्योंकि आप महिलाओं के आप मुस्लिम महिलाओं के आप मैं बिल्कुल उनसे भी पूछूंगा लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, बीजेपी ने मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी ने अगर मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कानून बनाया तो क्या उससे मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ या वो कानून गलत था, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ। देखिए ये तो आपको महोदय से पूछना चाहिए, मैं बिल्कुल उनसे पूछूंगा, लेकिन आप भी तो बताएंगे ना, आप विपक्ष में हैं, आप भी तो बताएंगे, आप भी विपक्ष में, आप विपक्ष में आपका काम है, आप बताएंगे ना वो कानून जो आया वो सही है कि नहीं है। नहीं देखिए कानून जब पास हो जाता है मुस्लिम महिलाओं के लिए जो कानून आया, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो तीन तलाक का कानून आया वो ठीक है या नहीं है, उसने महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जब कानून को पास किया, हाँ। ना ही किसी से विचार किया, ना ही किसी से विमर्श किया, ठीक है, कुछ भी हुआ, मुस्लिम महिलाओं के लिए ठीक है ना कानून, मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून ठीक है तीन तलाक कानून। देखिए इसका जवाब तो महोदय ज्यादा विपक्ष में है, वो तो कहेंगे बहुत बढ़िया है, वो तो कहेंगे बिल्कुल रसगुल्ला है, आप बताइए क्या है, महोदय बैठी है, उनसे भी पूछूंगा, आप ही तो बताइए, आप भी तो विपक्ष में, हमारे लिए नहीं है, आप बताएंगे सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है तो विपक्ष के तौर पर आप क्या कहते हैं कि वो कानून ठीक है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है या नहीं है। नहीं देखिए अगर कोई कानून जब पास हो गया है तो उस कानून के अनुरूप हमें देखना पड़ेगा और उस कानून की गुणवत्ता को देखना पड़ेगा कि कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं लाभान्वित या नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं या नहीं, ये तो आपने ये तो समय ही बताया, ठीक है, अभी तक का क्या लगता है आपको, ये कानून लाया गया ठीक है या नहीं है श्रीमान, ये महिलाओं को सशक्तिकरण कर सकता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर ये कानून ठीक नहीं है तो क्या आपकी सरकार आने के बाद आप इस कानून को हटाएंगे। पहली बात तो आप इसको समझिए कि देश ये विधानसभा का कोई कानून नहीं है, नहीं 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 आप राज्य स्तर पर नहीं, इस कानून को हटाने के लिए प्रयास करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं आपसे, राज्य स्तर पर आप इतने मैं बीजेपी से भी पूछूंगा, आप राज्य स्तर पर इसको चुनौती देंगे, मैं ये पूछ रहा हूं, कोई भी सरकार मैं कह के बड़े खुले कह रहा हूँ, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, तो पूरे भारतवर्ष में जो सरकार चाहे किसी भी प्रदेश में हो,
उन्होंने कहा था कि सीए एनआरसी पर अगर कानून आ भी गया तब भी उत्तर प्रदेश में उसे लागू नहीं करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है जो लागू करवा के दिखा दे। तीन तलाक के कानून के परिपेक्ष में जब आप ठीक है, अब आप फंस गए, छोड़िए कुछ चीजें क्या कंफर्ट के हिसाब से लेंगे, कुछ चीजें क्या देखिए, बात कंफर्ट की नहीं होती है। चलिए ठीक है, बात ये होती है कि जहां पे एक जो उत्तर प्रदेश हो गया या कोई भी प्रदेश हो गया वो यहां से पत्र भेजता है। मैं भी वही कह रहा था लेकिन आपने ताल ठोक के कहा कि कोई नहीं कर सकता, मतलब शायद आप मन ही मन लेकिन बोल ना पा रहे हो, आप तीन तलाक के कानूनों की वकालत करते हैं। चलिए देखिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी के कारण यही रुकना पड़ रहा है, थमना पड़ रहा है। आईपी सिंह साहब आपसे माफी चाहूंगा, आपका कनेक्शन काफी बार कटता और बटता रहा, लेकिन फिलहाल ये बहस थी, चर्चा थी, इस पर हमने बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर मुसलमानों को बरगलाने की राजनीति क्यों हो रही है, उत्तर प्रदेश चुनाव सर पर है, क्या यही मुख्य वजह है। फिलहाल के लिए शुक्रिया। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके